बिहार चुनाव में परिणाम के आने के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। चौथी बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इस बीच 17वीं विधानसभा चुनाव में जीते हुए विधायकों की सूची आज राज्यपाल को सौंपी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास राज्यपाल फागू चौहान को विधायकों की सूची सौंपेंगे। तो इसके बाद बहुमत के आधार पर राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देंगे। तो आपको बता दें कि 243 सीटों की मतगणना संपन्न हो चुकी है, सभी सीटों के परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। तो वहीं एनडीए को बहुमत से अधिक आंकड़ा हासिल है। अब ऐसे में एनडीए को सरकार बनाने के लिए राजभवन से न्योते का इंतजार है। तो गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 243 सीटों पर हुए मतदान के बाद एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। तो 122 के जादुई आंकड़े से 3 सीट अधिक लाकर एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो वहीं विपक्ष में एक बार फिर महागठबंधन बैठेगी, जहां उसे इस चुनाव में 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से महागठबंधन एक बार फिर विपक्ष में मजबूत स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।